लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर शिरोमणि अकाली दल हरियाणा सिख परिवार ने पीएम का पुतला फूंका। सिख नेता ने कहा कि अब भगत सिंह के तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों के साथ घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तमाम किसान धार्मिक और राजनीतिक संगठन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिरोमणि अकाली दल हरियाणा सिख परिवार एवं समूची सिख संगत ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा छठी पातशाही नजदीक थीम पार्क के सामने प्रधानमंत्री का पुतला फूंकते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश प्रवक्ता कंवलजीत सिंह अजराणा, शहरी प्रधान तेजेंद्र सिंह मक्कड़, ज्ञानी तेजपाल सिंह व अन्य मौजूद लोगों ने संयुक्त रूप से इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाकर ये साबित कर दिया है कि अंग्रेजों का राज इस सरकार से बेहतर था। भाजपा सरकार पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है। आज ये लोग तख्त पर बैठ गए हैं और इन्हें आज किसान आतंकवादी और खालिस्तानी नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब तक हम लोग गांधीगिरी को अपनाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब भगत सिंह के तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। कितनी शहादतों के बाद हमें आजादी मिली थी, हमने अंग्रेजों से छुटकारा पाया था इस देश को आजाद करवाने के लिए। उसमें किसान के बच्चों ने 98% कुर्बानियां दी थी इस देश को आजाद करवाने के लिए, और ऐसे लोग आज तख्त पर बैठ गए जिनको ये किसान आतंकवादी नजर आते हैं, खालिस्तानी नजर आते हैं, क्योंकि वो पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुके हैं। इन्होंने आज यूपी के अंदर कल शांतमय ढंग से जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर ये साबित कर दिया कि अंग्रेजों का राज तो अच्छा था, ये उससे भी ज़्यादा हिटलर से भी बुरे हैं ये जो आज कर रहे हैं। कल से पहले हमने गांधीवादी के तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज के बाद भगत सिंह के तरीके से प्रदर्शन हो।